कहानी बड़ी सिंपल है मेरे यार, सुनो जरा। नंबर एक पर है दिल्ली, नंबर दो पे रहने वाली है चेन्नई, नंबर तीन पे है बैंगलोर, नंबर चार पे है कोलकाता, और इसमें ना कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। अगर बदलाव करना है, सी इफ यू वांट टू सी सम चेंज, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। तो बैंगलोर के फैंस, आपको क्या करना है, आपको बहुत बड़ा सिंपल सा काम है, आपको करने के लिए आपको डीसी को सिर्फ 163 रन से हराना है, 163 रन। सिंपल, जस्ट जाओ उनको मार दो 163 रन से, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सूरज हो सकता है कि पश्चिम से उग जाए, लेकिन आरसीबी दिल्ली को 163 रन से हरा दे, ये संभव नहीं है। चलिए, ये तो हो गई नंबर दो तक पहुंचने की कहानी। लेकिन अगर मुंबई को पहुंचना आगे और कोलकाता से आगे चले जाना है, भाई 14 अंक हो गया, आपने हैदराबाद को हरा दिया, 14 अंकों के साथ आप आगे पहुंच सकते हैं, तो आपको बड़ा सिंपल से आपको 170 रन से हराना है सामने वाली टीम को। तो इसका मतलब आप अगर पहले बैटिंग, इनफैक्ट आप बोलिंग नहीं कर सकते, आपको पहले बैटिंग करनी पड़ेगी। सेम गोज फॉर बैंगलोर, आपको पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने पहले बोलिंग की मुंबई, तो फिर आपको एक ओवर भी नहीं मिलेगा रन बनाने के लिए। अगर मान लीजिए वो 150 बनाते हैं, आपको एक ओवर में भी अगर आपने 150 बनाए तो भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। सो बेसिकली दिस इज अबाउट इट, 1-2-3-4 इज गोइंग टू स्टे एज 1-2-3-4, इससे और कोई फर्क आने वाला नहीं है। दैट इज वेयर वी आर, क्योंकि कोलकाता भैया ब्रेक के बाद कोलकाता जिंदाबाद, कोलकाता ने मुकाबला जीत लिया है, अपनी जगह मेरे विचार में पुख्ता कर लिया। इतनी बड़ी जीत दर्ज की है ना कि सामने वाली टीम एकदम से थर थर कांप रही है। लेकिन दूसरी तरफ है चेन्नई, चेन्नई के सामने आ गया कमाल लाजवाब राहुल का एकदम से तूफान। उस तूफान के अंदर लगातार तीसरी हार थमा दी गई है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को, और ये थोड़ा समस्या है, क्योंकि वो जो परेशानियां है ना वो फिर उभर के आई हैं। ओपनर्स अच्छा करते हैं तो सब अच्छा है, लेकिन मिडिल मॉडल इट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद देम। किसी ने रन बनाया ही नहीं है। अंबति अगर आउट हो जाए तो सारी बत्तियां जाती हैं बुझ, दैट इज बीन द प्रॉब्लम। तो पंजाब सुबह जीतता है, शाम को जीतता है कोलकाता। अब आज मुंबई का मुकाबला हैदराबाद से है, उसकी इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूं। आरसीबी का मुकाबला बीसी से है, उसकी इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूं। और अब आपका मेरे लिए नहीं, मेरा आपके लिए जो ट्रिक है वो ये है कि दुबई के मैदान पे सबसे बड़ी साझेदारी इंडियन टी20 लीग के इतिहास में किन दो बल्लेबाजों की आई थी, के बीच में आई थी, और कब आई थी, क्या जानते हैं? इस साल नहीं, पिछले साल आई थी। दैट्स माय क्लू फॉर यू। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस आकाशवाणी, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी, उस पर इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की कहानी। लेट्स स्टार्ट विद कोलकाता, क्योंकि कोलकाता क्वालिफाई कर गई है। सी दैट्स द बिग स्टोरी। हम कह रहे हैं कि चौथे स्थान पे कौन आएगा, हाँ तो कोलकाता ने कहा हम आएंगे सर, टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला किया था संजू ने, और बहुत पिटाई खाने का फैसला किया था, क्योंकि ये टीम कोलकाता से बहुत अच्छी लगी। एक बदलाव हुआ, लॉकी फर्गसन इज बैक इन टीम साउदी, थैंक यू वेरी मच टाटा। रसल काब अभी भी इंतजार कर रहे हैं, शाकिब रसल को खिलाया गया पर रसल नहीं थे। बल्लेबाजी करने आते हैं और ये पिच डिफिकल्ट थी, डिफिकल्ट पिच के ऊपर सभी हुई बल्लेबाजी। दिस इज नॉट व्हाट कोलकाता वाज नोन फॉर, वो आते थे तड़ातड़ मारते थे, लेकिन इस बार अलग बल्लेबाजी की मजबूरी थी, मतलब दिस वाज व्हाट दे नीडेड टू डू एंड दे डिड दैट, एंड दैट जस्ट मजा आता है, मतलब इट वार्म्स माय हार्ट टू सी कि यार ये युवा भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, नितेश राणा, ये भारतीयों ने, इंडियन है इतने बल्लेबाज ना, इन्होंने टर्न अराउंड किया इस कोलकाता फ्रेंचाइज को, क्योंकि कप्तान आए, कप्तान ने एक चौका छक्का लगाया जरूर, पर उनकी वजह से नहीं पहुंचे आप जहां पर अभी आप पहुंचे हैं। ये भारतीय बल्लेबाजों ने वहां पहुंचाए, 170 बन गया और सामने वाली टीम कप्तानी बस एक रिव्यू लिया संजू ने, मैंने कहा डोंट रिव्यू संजू, दैट इज डीआरएस, क्यों, क्योंकि भाई साहब वो इस साल जितने रिव्यू लिए सारे खराब हैं, कप्तान कीपर हैं उसके बावजूद अगर इतने रिव्यूज खराब है तो ऑफकोर्स डोंट रिव्यू संजू। बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं यार, उससे भी खराब। पिछली बार जब इस मैदान पे खेले तो मुंबई के सामने 90 बनाए थे, इस बार 85 पे सिमट गई पूरी की पूरी टीम। एक बंदे ने रन नहीं बनाए, उन्होंने चाहिए लिविंगस्टन को खिला लें, चाहे खिला लें ग्लेन फिलिप्स को, संजू सैमसन रन नहीं बने, यशस्वी आउट हो गए, दुबे आउट हो गए, सभी आउट हो गए जब 85 बनाएगी टीम। राहुल त्रिपाठिया ने रन बनाए पर बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। गेंदबाजी में शिवम मावी सब पे हावी, मैन ऑफ द मैच लॉकी फर्ग्यूसन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। शकीब ने एक ही ओवर डाला यार, आई डोंट नो व्हाई, एक ओवर एक विकेट एक रन पर बाद में उनको बोलिंग करने का मौका मिला नहीं। एक तरफा मुकाबला जीत जाती कोलकाता और मुंबई के लिए एक मैथमेटिकल सिर्फ पॉसिबिलिटी छोड़ के जाती है, रियलिस्टिक नहीं। सुबह का मुकाबला दुबई के मैदान पे था, जहां पे कमाल लाजवाब राहुल ने बताया कि देखिए सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, दिस पिच इज परफेक्ट, आप लोगों से बैटिंग नहीं हो रही, और दैट इज द प्रॉब्लम विद चेन्नई। बिना बदलाव के उतरी जरूर, हाफ टू प्लेसी ने रन बनाए जरूर, आधे से ज्यादा रन बनाए, लेकिन फिर भी रन इतने नहीं थे कि आप सामने वाली टीम को रोक पाए, क्योंकि बड़े रेगुलर इंटरवल पे विकेट गिर रही है। ऋतुराज गायकवाड एक बार फिर शॉर्ट बॉल पे आउट हो गया, माइंड यू ये जंगल की आग फैल चुकी है। मोइन अली के रन नहीं बने हैं सेकंड लेग में, बोल रहा हूँ नहीं बने, आप लोग गुस्सा हो जाते हो। रॉबिन उथप्पा खेले, उनके भी रन नहीं बने। रायना नहीं खेले, और रायना क्यों नहीं खेले इसकी अभी तक कोई ना खबर नहीं आई है,
तो अगर पहले भी रन नहीं बने थे तो रॉबिन के भी रन नहीं, यहाँ अगर अंबति राइट टू आउट हो गए तो फिर तो कहानी एकदम टाइट टाइट फिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि धोनी का बल्ला बिल्कुल नहीं चला है। इस साल राणा बॉल से भी कम उनका औसत है, स्ट्राइक रेट है, और औसत भी साधारण है। तो फिर कप्तान धोनी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जड्डू के आते आते देर हो जाती है यार, आपने रन नहीं बनाए। गेंदबाजी बहुत बढ़िया थी पंजाब की, लेकिन उसके बाद अगर गेंदबाजी बेहतर की ना तो बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया कमाल लाजवाब राहुल ने। द इनिंग्स दैट वुड जस्ट टेक योर हार्ट, क्या बैटिंग की, क्या छक्के मारे, क्या चौके मारे, छक्के छुड़ा दिए। मैं कह रहा हूँ कमाल ऐसे खेला कर यार, बाकी सबको भूल जाए, बाकी लोग करें ना करें, फ्रेंचाइज जीते ना जीते, यू शुड ऑलवेज बैट द वे यू डिड अगेंस्ट चेन्नई। क्योंकि जो बंदा 100 बना सकता है ना उसको रोको मत यार। अगर आपका आप तलवार हैं तो फिर सुई का काम करने की कोशिश ना करो, आप तलवार की तरह काट ले जाओ टक 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 टक, सुई का काम वो कोई और कर लेगा, तो बाकी उसे कराओ। नहीं हो रहा तो उनकी गलती, आपकी नहीं है। सो दैट्स माय इशू विद केएल राहुल की 4 साल में 3 बार 600 से ऊपर रन, 1 बार जो नहीं बनाए 600 तो 590 वहां पे भी थे, उसके बावजूद टीम कुछ नहीं कर रही। तो इसमें इट्स नॉट योर फॉल्ट केएल, यू आर इन द रॉन्ग टीम, लेट अदर सफर, यू शुड नॉट सफर जस्ट बिकॉज यू आर द बेस्ट। तो दैट्स माय प्रॉब्लम, मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेट थे। कुल मिला के इतनी जल्दी मैच खत्म किया ना कि चेन्नई की समझ में नहीं आया भाई साहब, तीसरा मुकाबला लगातार हार चुके हैं, ऑफकोर्स नंबर 2 पे फिनिश करेंगे, ऑफकोर्स मुंबई के दिल्ली के साथ दुबई के मैदान पे खेलेंगे, पर फॉर्म अगर साथ में नहीं है तो हो सकता है कि यहां से शारजा जाना पड़े और दिल्ली जो है फाइनल में अपनी जगह बना ले। दे कुड बी द फर्स्ट टीम टू मेक इट टू द फाइनल, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाट आई फील। पर आज के मुकाबले से क्या उम्मीद करें, मैथमेटिकल करिश्मों की उम्मीद आप कर सकते हैं। मुंबई का मुकाबला हैदराबाद के सामने देखिए, अगर आपने पहले बैटिंग की तो चांस है कि आपने 200 बनाए और 170 रन से जीत गए, मतलब चांस नहीं है पर बड़े हुआ। लेकिन अगर हैदराबाद ने पहले बैटिंग कर ली दैट इज इट, योर गेम इज ओवर। तो मुंबई हैज ओनली देमसेल्फ्स टू ब्लेम। सेल्फिश हूं तो मैं कहूंगा राहुल चहर को खिला लो, क्योंकि इंडिया खेलना उन्होंने, ईशान किशन और रन बना लो, रोहित शर्मा रन बनाए, हार्दिक पंड्या रन बनाए, दीज आर माय 4 इंडियन, सूर्य कुमार यादव, ये मेरे 5 जो इंडियंस हैं, मैं चाहता हूँ ये रन बनाए, ये अपने अच्छा प्रदर्शन करें। बुमराह अच्छा करते आ रहे हैं तो उनके प्रति मैं कुछ ज्यादा चिंतित नहीं हूं, पर दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। और सामने वाली टीम को अगर मैं देखता हूं, सनराइजर्स हैदराबाद, उमरान मलिक, मैं 1 पॉइंट एजेंडा है उमरान मलिक, साथ में भुवनेश्वर कुमार बिकॉज इज द इंडियन बोलर एंड करामती खान, दैट्स ऑल दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। अभिषेक शर्मा, प्रियम गर्ग, अब्दुल समद अच्छे लगते हैं मुझे खिलाड़ी, पर अभी भारत से बहुत दूर है, तो वो अच्छा करें मुकाबला तो ये मुंबई जीत जाएगा मुझे लगता है। थोड़ी 2-3 प्रेडिक्शन बीच में खराब हुई, पर लगता है कि अब मुझे अब वापस माइक कारी विल ऑल्सो कम बैक ऑन ट्रैक, विच इज मुंबई विनिंग द लास्ट गेम, डिफेंडिंग चैंपियंस दिस टाइम नॉट क्वालिफाइंग, इट्स ऑल राइट। फिर मिलेगा मुकाबला, एक ही समय पे 2 मुकाबले होने, अब तो आरसीबी और दिल्ली के मुकाबले में। दिल्ली से मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा गेट योर थिंग्स इन ऑर्डर, पृथ्वी शॉ रन बनाओ, शिखर धवन यूएई में रन बनाओ, ऋषभ पंत थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्रेयस अय्यर जस्ट कंटिन्यू द वे यू आर, स्टॉइनिस अगर फिट है तो ये टीम एकदम सुपर हिट है, बाकी इस टीम में कोई बोलिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं, दे बी एब्सोल्युटली टॉप क्लास। बैंगलोर भरत को 3 नंबर भेजो प्लीज यार, क्यों नीचे कर दो, एबी को और बॉले खेलने का मौका दो अगर आप दे सकते हो, क्योंकि यू हैव टू गो टू शारजा, शारजा के अंदर आप फंस सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही मेरी आपसे विनती है कि आप जब केकेआर के लिए खेलना है आपको, केकेआर को हराने के लिए आपको एबी डिविलियर्स का फॉर्म चाहिए, उसके लिए उनको आपको गेंदे खेलने देनी पड़ेंगे, प्लीज प्रमोट हिम अप द ऑर्डर। यहाँ पे आप दुश्मनता चमीरा को खिलाएं या ना खिलाएं, हसरंगा को खिलाएं या ना खिलाएं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्ले ऑफ में शायद वो उपलब्ध नहीं होंगे, दे गो अवे फॉर द क्वालिफायर्स जो वर्ल्ड कप के हैं। सो जस्ट प्ले विद हु यू हैव एंड जस्ट होप दैट एवरीथिंग टर्न्स आउट राइट। इस मैच में कौन जीतेगा, आई एम गोइंग विद द दिल्ली कैपिटल साइड। अब जो मैंने आपसे इंटरव्यू पूछा था इस मैच का, वो था कि भाई सबसे बड़ा साझेदारी इस दुबई के मैदान पे इंडियन T20 लीग के इतिहास में शेन वॉटसन, फाफ टू प्लेसी 181 नाबाद बनाए थे, पंजाब को धो दिया था यार, वन ऑफ द फ्यू विक्ट्रीज दैट केम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ लास्ट ईयर्स आईपीएल। उसके बाद एंड में आके 2-3 जीत आई थी, लेकिन उससे पहले कुछ आ नहीं रहा था, दिस वॉज अ स्ट्रेंज विक्ट्री जहां पे जस्ट बुलडोज्ड ऑन द वे टू विक्ट्री अगेंस्ट पंजाब, दैट वॉज दैट। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, लाइक शेयर अपने प्रोफाइल पे पिन, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, दोस्तों को बताइए कि इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की कहानी कहां मिलती है, ओनली ऑन #आकाशवाणी। मिट्टी की पिच, कदमों का इस्तेमाल, क्या गधे की तरह बल्ला उठाया, और ओबे भाई साहब पैर उठा के हेलीकॉप्टर उड़ाया, अद्भुत सा ये शॉट था, खेलने का अंदाज निराला है भाई, मैं तो इनकी बैकलिफ्ट को और डाउन स्विंग का हो गया फैन।